वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, हम लोगों ने प्रोपीन लिया है और B2D6 लिए। डाइबोरेन होता है बट बोरेन में हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन की जगह हम लोग ड्यूट्रियम ले लिए और फिर एसिटिक एसिड लिए। हम लोगों से पूछ रहा है यहाँ क्या बनेगा ये बताइए। ये जो रिएक्शन, ये समझने के लिए मैंने बना रखा क्वेश्चन, इस वाले रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग को पता होता है। सो देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा। सो देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ में आपका CH3 CH और CH2, ये है आपका डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पर है, हम लोग को पता होता है इसके होने से डबल बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कौन आएगा, OH आएगा और यहाँ पर कौन आता है, H आता है। देखो H आता अगर B2H6 लेते तो यहाँ पर ड्यूट्रियम आएगा। क्यों आया, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन यहाँ पर आता है ना डबल बॉन्ड में, वो यहाँ से आता है, बोरेन से आता है, पर यहाँ पर क्या है, ड्यूट्रियम है, तो यहाँ क्या आएगा, ड्यूट्रियम आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी रिएक्शन है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर आपने H2O2OH- नहीं लिया है ना, यहाँ लिया था, यहाँ नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एल्केन मिलेगा, याद रखना एल्केन मिलेगा। क्लियर है, अब एल्केन मिलेगा तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा। बट अभी हम लोग देखें यहाँ पर जो हाइड्रोजन आता है वो कौन देता है, बोरेन देता है, तो आपको CH3CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है। हम लोग बोले कि ड्यूट्रियम कहाँ लगेगा, यहाँ ड्यूट्रियम लग जाता है, अभी दिखाए थे, और यहाँ पर अगर ये लेते तो क्या लगता, OH लगता, बट ये तो लिए नहीं, यहाँ क्या लिए, एसिटिक एसिड लिए। अब ध्यान रखना है ये एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो बेसिकली आपको एल्केन मिलेगा। तो अगर आपको एल्कीन को इसमें एल्केन में कन्वर्ट करना है तो ये भी एक तरीका है। एक हाइड्रोजन ड्यूट्रियम बोरोन से आएगा, एक हाइड्रोजन एसिटिक एसिड से आएगा, बोरोन में ड्यूट्रियम था तो यहाँ ड्यूट्रियम आने वाला है। क्लियर, अब उसका नाम देख लेते हैं। देखो उसका नाम थोड़ा अलग होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, पर वो तो प्रोपेन नहीं, वो ड्यूट्रियम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपने यहाँ ड्यूट्रियम लगा दिया ना, तो क्या बताना है, प्रोपेन लेना है, प्रोपेन में क्या लगा देंगे, ड्यूट्रियम लगा देंगे, यही बोलना है हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे ड्यूट्रियम लगा दीजिए, मतलब ड्यूट्रियो, 2-ड्यूट्रियो प्रोपेन हो गया, 2-ड्यूट्रियो प्रोपेन, तो मतलब आपको ड्यूट्रियम का पोजिशन बताना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके जैसा ही सिमिलर है, बट यहाँ आपको एल्केन मिलता है, यहाँ अल्कोहल मिलता है, और हाइड्रोजन जो होगा ये वाला जो होता है ये यहाँ लगता है, बीच में लगता है। ठीक है, थैंक यू।